हेलो दोस्तों, ये HPC कंपनी का वायरलेस क्विज़ बजर है। ये आप स्कूल में, कॉलेजेस में, इंडस्ट्रियल या किसी सोसाइटी के क्विज़ कंपटीशन के फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं के लिए, या क्वेश्चन आंसर सेशन क्लासरूम में, तो ये इस जगह पे यूज़ होता है। इसमें आपको एक डिस्प्ले मिलता है 1.5 बाय 1 फीट का। इसके अलावा ये 12 रिमोट्स यूज़र्स के लिए, और एक कंट्रोल रिमोट मिलता है रिसेट और सीक्वेंस चेक करने के लिए। उसके साथ ही आपको एक राउटर भी मिलता है, ठीक है। तो ये आपको एक क्विज बजर सिस्टम के साथ इतना सेटअप मिलता है पूरा। तो ये वर्क कैसे होता है वो देखेंगे। ये डिस्प्ले चालू होने के बाद ऐसे HPC बस 3 से 4 बार ब्लिंक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको ये कंट्रोल रिमोट पे रिसेट बटन दबाना। ये मतलब नेटवर्क के लिए है इसका, मतलब ये राउटर को कनेक्टेड है, ठीक है, और ये डिस्प्ले भी कनेक्टेड है। अब ये जब मैं रिसेट दबाऊंगा तो ये क्वेश्चन मार्क आएगा और ये यहाँ पे लिंक ये कनेक्ट हो गया। तो ये कंट्रोल रिमोट का इंडिकेशन है, लास्ट में दिखाया हुआ है कि ये कनेक्टेड है अभी, ठीक है। अभी मैं कोई रिमोट लेता हूँ, ठीक है, जैसे ये 2 नंबर का, मैं इसको ऑन करता हूँ। साइड में यहाँ पे बटन दिया हुआ है और ये चार्जिंग का पॉइंट, इसमें बैटरी दिया हुआ है, इसको आप चार्ज भी कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये अभी नेटवर्क ढूंढ रहा है, ठीक है। अभी ये राउटर थ्रू कनेक्ट हो जाएगा इसको, तो ये 2nd नंबर का, तो ये 2nd नंबर का LED लगा है, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं फर्स्ट करता हूँ, फर्स्ट का ऑन कर देता हूँ, तो ये फर्स्ट वाला LED ऑन हो जाएगा। इधर 1 to 8, सॉरी 10 कनेक्टेड है, और इधर 11 और 12, ठीक है। मैं 12 नंबर का भी आपको करके बताता हूँ, ठीक है। इसको 12 नंबर का रिमोट मैंने ऑन किया अभी, तो ये 12 नंबर का चालू हो जाएगा। इधर 10 तक है और 11 12, ऐसे 12 रिमोट कनेक्ट हो जाते हैं। अभी मैं बाकी के रिमोट ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। अभी ये 1 बाय 1 कनेक्ट हो जाएंगे, आप देख सकते हैं। अभी ये 1 बाय 1 कनेक्ट हो रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 6, ऐसे 10 तक और 11 12। अभी ये सभी हमारे 10 12 रिमोट कनेक्टेड है, ठीक है। अभी राउंड स्टार्ट करने के लिए, इसके बाद आप क्वेश्चन जो आज पूछोगे उसके बाद आपको बटन प्रेस करने हैं। तो ये वर्क कैसे होता है वो देखेंगे। ये क्वेश्चन आने के बाद आपको क्वेश्चन मार्क आने पे क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क आने के बाद अभी जो आंसर देना है उसके लिए आपको रैंडमली बटन प्रेस करना है। अभी सबके LED कनेक्टेड है, रेड लाइट ऑन है, मतलब नेटवर्क कनेक्टेड। अभी मैं यहाँ पे 2nd नंबर पहले प्रेस करता हूँ, ठीक है, फिर 4th नंबर करता हूँ, फिर फर्स्ट, फिर ये 11 12, ठीक है, ऐसे रैंडमली। अभी मैंने जितने भी नंबर प्रेस किए मतलब उतने लोगों को आंसर आता है। तो अभी सीक्वेंस चेक करेंगे किसने फर्स्ट प्रेस किया। पहले फर्स्ट जिसने किया उनका तो नंबर आ ही जाता है। उसके बाद सीक्वेंस बटन प्रेस करने के बाद ये 2nd 2, मतलब 2nd नंबर किसने प्रेस किया है, तो वो है 4th नंबर ने, ठीक है। जो 4 नंबर के कंटेस्टेंट है उन्होंने 2nd प्रेस किया, 2nd फास्टेस्ट। उसके बाद 3rd फास्टेस्ट है 1 नंबर के जो कंटेस्टेंट है उन्होंने किया, ठीक है। 4th रैंक पे है 11 नंबर के कंटेस्टेंट, ठीक है। 5th पे है 12। तो ये सीक्वेंस बटन आप प्रेस करोगे तो आपको पता चलेगा ये फिर से 1st नंबर आ जाएगा। आपको फिर से चेक करना है तो फिर से सीक्वेंस बटन प्रेस करना है, ठीक है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। और न्यू राउंड के लिए आपको रिसेट बटन प्रेस करना है। रिसेट होने के बाद सभी एक बार कनेक्ट हो जाएंगे कुछ सेकंडों में, ठीक है, हो गए कनेक्ट। तो नेक्स्ट राउंड के लिए अभी सिस्टम तैयार है।